लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं गजब समाचार। फिल्म पद्मावत। जी हां, पहले तो आपको ये बता दें कि इस फिल्म का नाम पहले पद्मावती रखा गया था, लेकिन करनी सेना के विरोध के बाद इस फिल्म का नाम पद्मावत किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म से जुड़ी सारी याचिका को खारिज कर दी है। अब इस फिल्म को रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म के जो पद्मावती का किरदार निभाने वाली दीपिका पादुकोण आज सिद्धि विनायक मंदिर जाकर भगवान गणेश के आगे मत्था टेका और आशीर्वाद लिया है। फिल्म रिलीज होने वाली है। करनी सेना जब से फिल्म आई है तब से हर जगह कहीं ना कहीं आगजनी, तो कहीं मॉल को आग के हवाले किया जा रहा है, कहीं सड़कों पर तोड़फोड़ की जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस फिल्म में जो भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये ना कि सरकार इसकी भरपाई करेगी, भरपाई तो आम जनता को ही करनी पड़ेगी क्योंकि टैक्स आम जनता देती है। तो आपको बता दें कि जो ये आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। आखिर जब सेंसर बोर्ड ने इसे फिल्म को रिलीज होने की अनुमति दे दी है, सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे दी है, तो फिर आखिर करनी सेना अपने बात पे क्यों अड़े हुए हैं? आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो करनी सेना इसका विरोध करना चाहते हैं? जब फिल्म को आपने देखा नहीं तो विरोध आखिर कैसे कर सकते हैं? इस फिल्म के अंदर क्या है? आखिर रानी पद्मावती को किस तरह से दर्शाया गया है? ये तभी आपको पता चल पाएगा जब आप फिल्म को पूरी तरह से देखेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी लोग उपद्रव कर रहे हैं या कहीं आगजनी कर रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो पहले इस फिल्म को रिलीज होने दीजिए। रिलीज होने के बाद फिल्म देखिए, उसके बाद आखिर क्या है इस फिल्म में, आखिर कहाँ आपकी आस्था को ठेस पहुंची है, आप लोगों की आस्था की अगर सवाल है तो कहाँ ठेस पहुंची फिल्म को देखने के बाद। आप हमारे देश में सरकार है, कानून है, आप कानून से मदद लीजिए, उसकी FIR दर्ज करवाइए, लेकिन पहले फिल्म को देखिए। क्योंकि अगर हमारे देश से रिलेटेड या फिर किसी भी आस्था से रिलेटेड अगर कोई ऐसी बात होती है तो सेंसर बोर्ड या फिर हमारे कानून इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देती। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो भी लोग उपद्रव कर रहे हैं, कृपया उपद्रव ना करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नुकसान आम जनता की भरपाई से होगी।